सक्सेसफुल होने का कोई शॉर्टकट नहीं होता और ऐसा कोई प्रीडिफाइंड पाथ भी नहीं होता जो गारंटी देता हो कि यार अगर तुम ऐसा करोगे तुम पक्का सक्सेसफुल हो जाओगे। सक्सेसफुल होना सिर्फ तुम्हारे हाथ में है, अगर तुम वाकई ऐसा कुछ चाहते हो तो। ये कोई चाय का कप नहीं है कि घर पे नहीं तो दुकान पे पैसे देके तो मिल ही जाए। सक्सेस ना कोई तुमको दे सकता है और ना कोई तुमसे छीन सकता है, ये तो बस मौके की बात है कि अगर तुम वक्त आने पे तैयार रहे तो तुम सक्सेसफुल हो जाओगे वरना बैठे रह जाओगे। ये एक मैराथन है, 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं जो 10 सेकंड में जीत जाओगे, नहीं तुमको दौड़ना होगा, लगातार दौड़ना होगा। जीत के लिए तुमको स्ट्रगल करना पड़ेगा और अगर स्ट्रगल से बचने की कोशिश करी तो यकीन मानो कुछ नहीं कर पाओगे। जिंदगी की गाड़ी जहाँ है ना बस वहीं खड़ी रह जाएगी, कभी तुम गिरोगे कभी तुम थकोगे लेकिन तुम चलना बंद नहीं करोगे क्योंकि तुमको भरोसा है खुद की काबिलियत पे कि तुम एक ना एक दिन जो चाहते हो वो हासिल कर ही लोगे। मैराथन को कभी भी एक स्प्रिंट की तरह मत देखो कि जोर लगा के बस एक बार दौड़ना है, नहीं, इसमें तुम कई बार जीतोगे कई बार हारोगे पर एंड रिजल्ट में जीतने के लिए तुमको आखिर तक दौड़ना पड़ेगा। फिर एक दिन जब तुम आईने में देखोगे तो खुद फील करोगे कि हाँ यार कुछ किया है, यार कुछ बड़ा हासिल किया है, नाम बनाया है अपन ने और जो कुछ भी किया है सही तरीके से, सिर्फ हवा में बातें नहीं बल्कि दुनिया को अपने एक्शन से जवाब दिया है। इस दुनिया में कुछ भी फ्री नहीं है, इस बात को हमेशा दिमाग में रखना। कोई भी मुकाम रातों रात हासिल नहीं होगा, तुमको उस मुकाम के लिए खुद को कई रातों तक जलाना पड़ेगा, तब कहीं जाके किसी एक दिन तुम अपना सपना पूरा कर पाओ। ये बात तुम भी अच्छे से जानते हो कि सिर्फ सोच भर लेने से कोई काम नहीं होता। कोई तुम्हारे दरवाजे पे आके ये नहीं कहेगा कि ये लीजिए सर, अपने अवार्ड जीता है। लक भी उन्हीं लोगों का साथ देता है जो सही वक्त पे सही जगह होते हैं। अरे दुनिया की छोड़ो, मुझे ही लोग कहते हैं कि भाई तू कितना लकी है, कितना बढ़िया आराम से काम करता है, कोई टेंशन नहीं कोई लोड नहीं बस। और मैं अंदर ही अंदर हंस देता हूँ कि इनको कौन समझाए कि कब से रात को ढंग से सोया नहीं, आंखों में दर्द होता रहता है लेकिन पर काम करना पड़ता है, आइडियाज़ सोचने पड़ते हैं डेली के नए क्योंकि वीडियोज़ रोज़ डालने होते हैं और आइडियाज़ पेड़ पे नहीं लगते। फोकस लूज ना हो जाए इसलिए खुद को कमरों में कई कई दिनों तक बंद करके रखता हूँ और लोगों को लगता है कि मैं लकी हूँ, तो हाँ हूँ मैं लकी क्योंकि उस लक को पाने की कीमत अदा कर रहा हूँ। तुम में से ज़्यादातर लोग आसान रास्ता ढूंढ रहे हैं कि कोई शॉर्टकट मिल जाए या कोई ऐसा रास्ता मिल जाए जहाँ हम आराम से बैठ के आराम से जा सकें, लेकिन मेरे दोस्त ऐसा नहीं है। सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। अपने आप को तुम एक बकेट एक बाल्टी की तरह देखो जिसमें तुम बहुत मेहनत से पानी भरते हो लेकिन उसमें कहीं तुम्हारी किसी गलती से एक छोटा सा छेद हो गया, तुम्हारी पूरी मेहनत खराब हो जाएगी, पूरा पानी बह जाएगा और ज़रा से में तुम्हारी पूरी मेहनत ही खराब हो जाएगी। ऐसे ही अगर तुमने अपने आप को इम्प्रूव नहीं किया, नई स्किल्स को डेवलप नहीं किया तो धीरे धीरे तुम्हारी भी सारी मेहनत खराब हो जाएगी। वो जो तेरे दिमाग में आवाज़ आती है ना जो तुझे कहती है कि आसान रास्ता लेने के लिए, आज का काम कल पे टालने के लिए, अगर तू उसकी ही सुनता रहा ना तो याद रख तुझे कुछ हासिल नहीं होगा ज़िंदगी। तू बस यूं ही बैठा रह जाएगा और तुझसे भी कम टैलेंटेड लोग सिर्फ अपने हार्डवर्क के दम पे तुझसे बहुत आगे निकल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।